सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जगन्नाथ नमस्कार। ओडिशार 4.5 कोटी जनता को भरोसा न्यूज तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा। मु किशोर महांती वर्तमान आपण सम्मुखें सारा भारतवर्षर जो चिंता एवं चिंतन, भारतवर्षर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त माननीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी 2014 मसीह जो प्रतिश्रुति जो आशा एवं भरोसा ओडिशा पाई सारा भारत वर्ष पाई जो सूर्यर आलोक किरण देखते नूतन भारत वर्ष गढ़े नूतन चिंताधारा नहीं कि युवपीढ़ी मान मन जो आशार आलोक सिंचरण करते तार एक अतुट एवं निश्चक सत्य एवं भारत सरकार भाजपा सरकार जो बोल जो मिथ्या प्रतिश्रुतिर अवतारणा कर तार गोटे महाखुलासा मुखे चाहिए मुझे कथा भारत नीति आयोग रिपोर्ट मो पाखे जहाँ पहुंची मुझे ऊपर आधार कर रिपोर्ट प्रदान कर भारत सरकार वर्तमान जो आर्थिक नियंत्रण अच्छा से भारत सरकार को केन्द्र सरकार को पखापाखि 250,000 कोटी टंकार अनुदान पांठि दरकार से केन्द्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नीति आयोग को सहित परामर्श कले विचार कले नीति आयोग परामर्श दे जे ए जो 250,000 कोटी टंका भरणा करने को कौन करने को पड़ केन्द्र सरकार को भारत सरकार जो संपत्ति अच्छी माने विभिन्न विभाग जो अंश अच्छी जो विभिन्न विभाग जो संपत्ति अच्छी ताको बिक्री करने को पड़ एक मुनि केन्द्र सरकार जो निष्पत्ति नहीं नीति आयोग द्वारा से कथाटा को मु वर्तमान सारा ओडिशावासी की अवगत कराऊ जो देखते आशार आलोक तार पूर्ण खुलासा अपन पाखे कर चाहिए जो 2014 मसीह वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी सेतबले कहते ये माटीर सौगंध खाई कौची मैं ए देश बेचने नहीं दूंगा, ये मिट्टी को मैं बिकने नहीं दूंगा। परंतु वर्तमान परिस्थिति नरेंद्र मोदी सरकार बा भाजपा सरकार बा केंद्र सरकार अवस्था चक्र रे तांकर कथा को रखी पारे ना जहाँ से भारतवासी की कही कथार मूल्य रखी पारे ना वर्तमान कॉर्पोरेट जगत को बिक्री करने मानस पटे जहाँ था ना कहीं सारा भारतवासी जान लें पूंजीपति मान को बिक्री कर दे विभिन्न विभाग अंशधन को मोदी सरकार एक प्रकार प्रण नहीं मन मन स्थिर करनी जार ज्वलत प्रमाण नीति आयोग द्वारा भारत सरकार नीति आयोग परामर्श दे आपण जदि 2,00,000 रूर्ध टकर पांठि जोगाण करने को चाहते आपण विभिन्न विभाग किसी अंश को आपन को बिक्री करा पड़ो जेपरी जमती मंडी में बिक्री हो छत्र बजार बिक्री हो मार्केट बिक्री होन वस्तु से हीपरी
आठटा नीति आयोग द्वारा आठटा विभाग वस्तु को संपत्ति को भारत सरकार संपत्ति को बिक्री कर प्रमुख हूँ रेल विभाग भारतीय रेल विभाग केन्द्र सरकार कौन चिंता कर भारतीय रेल विभाग विभाग तरफ 90,000 कोटी टंका से आने केमी आने से गोटे स्वतंत्र चिठा प्रस्तुत कराए किए नब किए बिक्री नब किए बिक्री कर किए नब अलग कथा बिक्री तो निश्चित केन्द्र सरकार करेंगे प्राइवेट सेक्टर रे एटा बिक्री हम अंबानी नौ किंबा अदानी नौ कि जेकोसी कॉर्पोरेट जगतर मैंने पूंजीपति बिक्री कर कथा को मुझे कथा उठू 90,000 कोटी टंका रेलवे विभाग रु सरकार पाइबे कौन देबे ना भारत बर्षर 50 टी स्टेशन 50 टी रेलवे स्टेशन बिक्री कले प्राइवेटाइजेशन कले 150 ट्रेन लाइन बा रूट जो ट्रेन रूट अच्छी 150 रूट को से माने बिक्री कले 90,000 कोटी टंका पाइबे केन्द्र सरकार से स्वीकृति करछंती वर्तमान मार्केट रे नीलाम पाई सजबाज होछंती जे भी कण से मुझे आ गए कथा हूँ पेट्रोलियम विभाग जो केन्द्र सरकार को पैसा मध्यम जो पाइपलाइन हो पाइपलाइन रे क्रूड ऑयल जाऊँ गैस जाऊँ से पाइपलाइन की बिक्री करेंगे प्राइवेटाइजेशन करेंगे व्यक्तिगत संपत्ति होते बड़े केन्द्र सरकार बा सरकार से पाइपलाइन मध्यम गैस परचेज करेंगे बा नवा आनिबा करेंगे परिवहन करेंगे क्रूड ऑयल परिवहन करेंगे से व्यक्तिगत जेहेतु प्राइवेटाइजेशन कराईपाई भड़ा आकर पैसा दि जाए ये हूँ भारत स्थिति तृतीय कथा मुझे यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कौन अच्छी बिक्री करेंगे बीसीसीआई सी तो सरकार को अधीन नुह से पैसार गंताघर कि बिक्री करें कौन कले केन्द्र सरकार भारत प्रथम प्रधानमंत्री श्रीजुक्त स्वर्गत जवाहरलाल नेहरू को नाम नामित होता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को बिक्री करेंगे सेठ पाइबे 20,000 कोटी टंका से स्टेडियम जो व्यक्तिगत संपत्ति होते से क्या बिक्री करेंगे को मैच करेंगे को मैच न करेंगे से पैसा रोजगार करेंगे से माने किंतु भारत सरकार पाइबे 20,000 कोटी टंका तापर मुझे आस सरकार जातीय जो सड़क अच्छे नेशनल हाईवे आम जहाँ कौच 70,000 किलोमीटर ताको बिक्री करेंगे जहाँ को बिक्री करेंगे से टोल गेट कर एवं टोल गेट पैसा आदाय कर सरकार 40,000 कोटी टंका आने पाइबे योजना कर बड़ बड़ बंदर भारत वर्ष ये सब बंदर अच्छे जो बर्थ थाए से बर्थ गुड़ 30% बर्थ को प्राइवेटाइजेशन करेंगे या द्वारा सरकार से 20,000 कोटी टंका पाइबे एमती सरकार का उद्देश्य हूँ जे केमी मु 2,00,000 कोटी टंकर ऊर्ध केमी मोर सरकार पांठि आसो मोर गोटे प्रश्न भाई मु समस्त साधारण जनसाधारण को कहवा चाहिए जो मोदी सरकार ये युवपी मान ये भारत 135 कोटी जनता जो आशार किरण देखा नूतन भारत वर्ष गठन करिए मोर गोटे कथा मन पड़े
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାହେବ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 30 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସେ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଲସ୍ ଯାଏ ନା, କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଲସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁକି, ଯା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭୁଲ। ସେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 1/3 ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜପା ସରକାରର ଭାଜପା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯିଏ ନିଜକୁ ସୁପ୍ରିମ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ କରିବି, ଭାରତକୁ ସୁନାର ଭାରତ କରିବି, ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ନିଜେ କରିବା କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଦେବାଳିଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଭାରତର ଶାସନର ଟେକି ଦେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ମୋଦି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ କେମିତି ହେଉଛି ଲାଭବାନ ହେବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା, କିଏ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିନଥିବା, ବିକ୍ରି କରିଥିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାରଣ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ, କାରଣ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ କାମନା କରୁଛେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛେ, ଭଲେ ଆମେ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ମୋଦି ସରକାର ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧାଇ ପଡ଼ିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ବି ଅବହେଳା ବା ଯାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାହା କେମିତି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।